हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द डेली करंट अफेयर एनालिसिस ऑन एडुलॉजिक्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं तरुण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। तो पहली न्यूज़ आई है कि यूनिसेफ इंडिया ने पार्टनर किया है फिक्की के साथ, किस चीज़ के लिए? री इमेजिन कैंपेन के लिए। तो बात कर लेते हैं ये कैंपेन क्या है। यूनिसेफ इंडिया हैज़ टाइड अप विद फिक्की, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, टू जॉइंटली डेवलप द यूनिसेफ्स री इमेजिन कैंपेन। इस कैंपेन का मेन एम क्या है? टू सपोर्ट द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस COVID-19 रिस्पॉन्स एंड इफ इट्स आफ्टर मैथ इन इंडिया। तो COVID-19 के चलते और उसके ख़त्म होने के बाद जो पॉपुलेशन है और जो बच्चे हैं उनको कैसे बचाना है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म डैमेज टू द बिजनेस ऑपरेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट पाइपलाइन। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पाइपलाइन का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है, एम्प्लॉयमेंट का जो दर है इंडिया में, वो कम ना हो सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहे, एम्प्लॉयमेंट का लेवल ख़राब ना हो और बिजनेस जो है उनको ज़्यादा डैमेज ना हो। प्रेजिडेंट की बात करें अगर फिक्की की, तो वो है संगीता रेड्डी। नेक्स्ट न्यूज़, नाबार्ड ऑर्गेनाइज द डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे। डिजिटल चौपाल है क्या? डिजिटल चौपाल वॉज कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस विच वॉज अटेंडेड बाई द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड बाई नाबार्ड टू शेयर दर एक्सपीरियंसिस अबाउट द प्रोजेक्ट दे आर इन्वॉल्व इन। ड्यूरिंग दिस डिजिटल चौपाल सेशन नाबार्ड ऑल्सो अनाउंस्ड ₹5,000 करोड़ ऑफ रीफाइनेंस स्कीम्स फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो नाबार्ड ने 5,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। विद दिस रीफाइनेंस स्कीम द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्स टू ऑफर फाइनेंस टू द बेनिफिशरीज ऑफ अराउंड 2,150 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इट ऑल्सो असाइंस 5,000 करोड़ टू ट्रांसफॉर्म द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इंटू मल्टी सर्विस सेंटर। तो 5,000 करोड़ तो इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर्स के लिए हो गए और 5,000 करोड़ हो गए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रीफाइनेंस स्कीम के लिए। नाबार्ड के चेयरमैन की बात कर ले तो GR चिंटाला, और इन्होंने हर्ष कुमार को रिप्लेस किया था। हर्ष कुमार भनवाला को इन्होंने रिप्लेस किया था May 2020 में, GR चिंटाला ने। डच फुटबॉल लेजेंड विम सर्बिया पास्ड अवे। तो डच फुटबॉल लेजेंड विम सर्बिया की हाल ही में डेथ हो गई है। ही वॉज अ की मेंबर ऑफ 1970 स्क्वाड ऑफ नीदरलैंड हु प्लेड इन 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स। ही ऑल्सो अचीव द रेयर फीट ऑफ प्लेइंग इन कंसेक्यूटिव फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इन 1974 एंड 78 that his country lost to West Germany and Argentina. He ended his national term career spanning 12 years with 60 caps. तो 12 साल का इनका करियर था। He was described by the club as the first modern back of Netherlands as well as the king of Dutch football humor. Former Socceroos captain Miles Jedinek retires from the sport. तो फॉर्मर सोक्रूस कैप्टन माइल जेडिक ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है स्पोर्ट्स से। सोक्रूस इज द ऑफिशियल निकनेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया नेशनल सोकर टीम। तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल सोकर टीम का नाम है सोक्रूस, दैट रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया इन इंटरनेशनल मैन सोकर। ही मेड हिज नेशनल टीम डेब्यू इन 2008 एंड मेड अराउंड 79 अपीयरेंसेज फॉर ऑस्ट्रेलिया। ही ऑल्सो वन द 2015 एशियन कप टाइटल फॉर द टीम। ही हैज अपीयर्ड फॉर हिज नेशन साइड इन 3 वर्ल्ड कप। सो 3 वर्ल्ड कप में इन्होंने पार्ट लिया है अपनी साइड से। द रीनोन्ड सेरेमिक आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट पास्ड अवे। ज्योत्सना भट्ट की भी हाल ही में डेथ हो गई है। शी वॉज बॉर्न इन कच्छ in 1940 and shifted to Mumbai to join the JJ School of Arts. She was an Indian ceramist and potter. She as a key contributor to the field of contemporary ceramics in India. Next ek report di hai, us report ka title hai The State of Food Security and Nutrition in the World, Transforming Food Systems for Affordable Healthy डाइट्स। तो ये यूनाइटेड नेशन की एनुअल रिपोर्ट आई है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2020। इसमें इन्होंने कहा गया है लगभग 690 मिलियन पीपल और 8.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वेंट हंगरी इन 2019। तो 2019 में लगभग 9% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंग्री रही, हंगरी रही है, भूखी रही है। एन इंक्रीज ऑफ 10 मिलियन सिंस 2018 एंड ऑफ नियरली 60 मिलियन सिंस 2014। तो 2014 मतलब कि 5 सालों में लगभग 60 मिलियन का इंक्रीज 5 सालों में। द रिपोर्ट वॉर्न्ड दैट COVID-19 पेंडेमिक मे एड एन एडिशनल 83
to 132 million people to the ranks of undernourished in 2020. तो इस रिपोर्ट ने वार्निंग दी है कि इस साल तो पेंडेमिक चल रहा है जिसके कारण ये जो नंबर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. नेक्स्ट न्यूज़ है जो इसराइल की असोल्ट राइफल्स हैं अरद और करमल, दैट इज अरद एंड करमल द न्यू इसराइल असोल्ट राइफल आर सेट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ये इस्टेब्लिश की जाएंगी मध्य प्रदेश में अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और मध्य प्रदेश में ये मैन्युफैक्चर की जाएंगी. PLS सिस्टम्स इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी दैट हैज लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर द स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन. तो IWI अरड़ और IWI कैरमल. नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ दिए हैं हरियाणा को फॉर इट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रिजुविनेट पॉन्ड्स, जिसमें से 500 करोड़ दिए गए हैं मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को टू एक्सपेंड द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अंडर दिस मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम और 1000 करोड़ दिए गए हैं टू रेजुविनेट द पॉन्ड्स एंड ट्रीट द वाटर. द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड 1000 करोड़ अंडर जल जीवन मिशन दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र शेखावत. और अगर हरियाणा की बात कर लूँ तो हरियाणा की कैपिटल आ जाएगी चंडीगढ़, CM आ जाएंगे मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर आ जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य हो गए गवर्नर, मनोहर लाल खट्टर जी हो गए CM, चंडीगढ़ हो गई कैपिटल और गजेंद्र शेखावत है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति. नितिन गडकरी इनोग्रेट्स एंड लेज द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड ₹20,000 करोड़ इन हरियाणा. तो हरियाणा से एक और न्यूज़ कि नितिन गडकरी जी ने इनोग्रेट किया है 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो कि 11 हाईवे का प्रोजेक्ट है. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एंड MSME नितिन गडकरी इनोग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा थ्रू वेब बेस्ड प्रोग्राम प्रिजाइडेड ओवर बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर. द थ्री प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹2,240 करोड़ वर इनोग्रेटेड एंड फाउंडेशन स्टोन्स वर लेड फॉर 8 प्रोजेक्ट वर्थ ₹17,000 करोड़. वेद प्रकाश दुतेजा कॉन्फर्ड विद द इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर. तो रेल इंफ्रा और मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड दैट इज RIMBDA इन्होंने अवॉर्डेड किया है वेद प्रकाश दुदेजा को विद दिस इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020. ये हैं वाइस चेयरमैन किसके RLDA के. RLDA क्या है? रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो वेद प्रकाश दुदेजा है हमारे वाइस चेयरमैन रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के. ही हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अंडर हिज लीडरशिप द RLDA हैज लॉन्च वेरियस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स कॉलोनी रीडेवलपमेंट एंड स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. चाइना सक्सेसफुली लॉन्च एपस्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट. तो चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है एपस्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट वाया अ लोन मार्च 3B कैरियर रॉकेट फ्रॉम शीशैंग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर. China Academy of Space Technology that is CAST has developed the commercial satellite Upstart 6D. Upstart 6D marked the 18th rocket launch by China in 2020. The Upstart 6D was developed by China Academy of Space Technology, a subsidiary of China Aerospace Science and Technology Corporation. Madhya Pradesh tops in implementing PM Swanidhi scheme. Pradhan Mantri Swanidhi scheme. मध्य प्रदेश ने टॉप किया और इस स्वनिधि स्कीम है क्या? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना. द स्कीम इज प्रेजेंटली बेनिफिटिंग द बेनिफिशरीज ऑफ अराउंड 378 अर्बन बॉडीज ऑफ द स्टेट. टिल नाउ अराउंड 870,330 स्ट्रीट वेंडर्स हैव रजिस्टर्ड अंडर दिस स्कीम, जिसमें से लगभग 176,000 को आइडेंटिटी कार्ड इशू हो चुका है और वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है. अपार्ट फ्रॉम दिस 15,500 केसेज हैव बीन अप्रूव्ड इन द स्टेट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अराउंड 15 करोड़ 50 लाख. तो मध्य प्रदेश के CM की बात कर लें तो शिवराज सिंह चौहान. इंडियन रेलवे ऑन मिशन टू बिकम द ग्रीन रेलवे बाय 2030. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक मिशन स्टार्ट करी है ग्रीन रेलवे बाय 2030 एंड इट हैज टेकन अ नंबर ऑफ मेजर इनिशिएटिव टुवर्ड्स द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड कम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज. इंडियन रेलवे हैज कंप्लीटेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोर देन 40,000 रूट किलोमीटर दैट इज 63% ऑफ ब्रॉड गेज रोड्स
in which 18,605 kilometer electrification has been done during 2014 to 20. Previously, only 3,835 kilometer electrification was completed in last 5 years. That is, 2009 से 14 में लगभग 3800 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था और 2014 से 20 में लगभग 5.5 times लगभग 5.5 times ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है. एंड इंडियन रेलवे ने फिक्स किया है टारगेट 7,000 रेल किलोमीटर रूट किलोमीटर का 2020-21 के लिए. सचिन अवस्थी, इससे पहले अगर हम रेलवे मिनिस्टर की बात कर ले हमारे, तो वो हैं पीयूष गोयल. अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो सचिन अवस्थी ऑनर्ड विद द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020. सचिन अवस्थी एक पर्सन है हु आर रिकॉग्नाइज्ड हु ऑर्गेनाइज्ड अ 5-day लॉन्ग क्लीन गंगा अवेयरनेस जर्नी विच वॉज बिगिन फ्रॉम हरिद्वार टू वाराणसी, जो कि हरिद्वार से वाराणसी की थी. इसको कहा गया था वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा, द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. तो जन जागरण यात्रा के लिए इनको अवार्ड दिया गया है. ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात कर लें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पार्ट ऑफ ऑनरिंग द ऑनरेबल इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव. द मेन एम ऑफ दिस अवार्ड इज टू ऑनर द पॉपुलर मैन एंड वुमेन हु आर पेइंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द वर्ल्ड. अ बुक टाइटल्ड इफ इट ब्लीड्स ऑथर्ड बाय स्टेफन किंग टू बी रिलीज सून. एक नई बुक आ रही है स्टेफन किंग की, इफ इट ब्लीड्स, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 stories. द बुक पब्लिश बाय हैचेट इंडिया. द बुक हैज द स्टोरी सेंटर अराउंड अ बॉम्ब एट द एल्बर्ट मैकग्रेडी मिडिल स्कूल. इट इज अ सीक्वल ऑफ हिज बेस्ट सेलिंग बुक आउटसाइडर. तो आउटसाइडर का सीक्वल है और 4 stories की कलेक्शन है इफ इट ब्लीड्स. हॉकिन कुकर्स चेयरमैन ब्रह्म वसुदेवा पास्ड अवे. तो हॉकिन कुकिंस के चेयरमैन ब्रह्म वसुदेवा की हाल ही में डेथ हो गई है. ही वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन एंड MD ऑफ द बोर्ड इन 1968 एंड बिकम द होल टाइम CMD इन 1984. तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एडवाइजर बने थे कंपनी के 2006 में. तो हॉकिन कुकर के चेयरमैन ब्रह्म वसुदेव. HRD मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने रिलीज किया है प्रज्ञता गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. डिजिटल एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया है प्रज्ञता गाइडलाइन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने. तो HRD मिनिस्टर हैं कौन हमारे, रमेश पोखरियाल निशंक और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार. रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार. एज पर द गाइडलाइंस ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट की क्लासेस 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकती. जो पहली से 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनके 2 सेशन होंगे 30 से 45 मिनट के और 4 सेशन होंगे 9वीं से 12वीं के भी होंगे 30 से 45 मिनट के. बस फर्क क्या है, इनके 4 सेशन होंगे, इनके 2 सेशन होंगे और जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनके 30 मिनट से ज़्यादा का सेशन नहीं होना चाहिए. प्रज्ञता गाइडलाइंस की, प्रज्ञता की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, गाइडलाइंस का मतलब क्या है, प्लान देन रिव्यू अरेंज गाइड टॉक असाइन ट्रैक एंड अप्रिशिएट. तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है. इंडियन रेलवे क्रिएट पोस्ट कोविड कोच टू इंश्योर द सेफर जर्नी. COVID-19 वायरस इन्फेक्शन खत्म होने के बाद जब इंडियन रेलवे वापस से ट्रैक पर दौड़ने लगेगी तो उसके लिए जो पोस्ट कोविड कोच इन्होंने स्टार्ट किए हैं वो देखते हैं उन्होंने क्या किया है. द इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट दैट इज RCF कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री हैज डेवलप्ड दिस न्यू पोस्ट कोविड कोच. तो इसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं, हैंड फ्री अमेनिटीज, कॉपर कोटेड हैंड व्हील्स एंड लचेस, प्लाज्मा एयर प्योरिफिकेशन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग फॉर कोविड फ्री पैसेंजर जर्नी. रेलवे मिनिस्टर हमारे अभी हमने बात की ही थी पीयूष गोयल. नेक्स्ट है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंट्स अशोक लवासा एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट. तो इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है ADB में. ही विल सक्सीड दिवाकर गुप्ता. दिवाकर गुप्ता को सक्सीड करेंगे जिनकी टर्म 31 अगस्त को खत्म होनी है. लवासा अ रिटायर्ड 1980 बैच IAS ऑफिसर ऑफ हरियाणा कैडर वाज अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर इन जनवरी 2018. तो अशोक लवासा को 2018 में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था. अगर ADB के प्रेसिडेंट की बात कर ले तो मसात्सुगुआ सकावा, हेडक्वार्टर्स इन फिलीपींस, फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966. तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. कल फिर मिलेंगे आपके साथ कल के करंट अफेयर्स के साथ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट.